30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अपने ही उल जलूल बयानों में फंसते जा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य खतरे में। कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है इसकी कीमत। अब वीर सावरकर के अपमान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दाखिल। कोर्ट ने फिर कहा, हाजिर हो राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। एक ओर 2 साल की सजा के आदेश के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, तो वहीं मोदी सरनेम को लेकर बिहार की पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को हाजिर होने को कहा है। मोदी सरनेम वालों को चोर बताने वाले राहुल गांधी के बयान के बाद बिहार भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इससे पहले इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उधर पुणे सेशन कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा दाखिल किया गया है। इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देने पर मानहानि का ये मामला वीर सावरकर के पौत्र सातिकी सावरकर ने दाखिल किया है। सातिकी सावरकर ने पत्रकारों को बताया है कि राहुल गांधी ने लंदन यात्रा के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। राहुल ने कहा था, एक मुस्लिम व्यक्ति को सावरकर और उनके 5-6 दोस्त मिलकर मार रहे थे, उस समय सावरकर खुश थे। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने ये अपनी किताब में लिखा है। सातिकी सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी इस काल्पनिक कहानी के जरिए स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। वो केवल वोट बैंक के लिए बिना तथ्यों के ऐसे बयान दे रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध पुणे सेशन कोर्ट में मानहानि का दावा दाखिल किया है। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख दी है। वहीं सातिकी सावरकर ने कहा कि नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वाशिम जिले की एक रैली में सावरकर को लेकर भाजपा और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि एक तरफ बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत हैं जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और दूसरी तरफ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बयानबाजी की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र में भी उल जुलूल बयानबाजी करते नजर आए थे, जिसका उनके सहयोगियों ने भी काफी विरोध किया था। राहुल गांधी वैसे ही नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। अब ऐसे में लगातार कोर्ट के झेल रहे राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य संकटों में घिर गया है। राहुल गांधी के उल जलूल बयान, राहुल गांधी की सजा और सदस्यता रद्द होना और विदेशों में भारत के खिलाफ की गई गलत बयानबाजी के बाद राहुल गांधी की साख लगातार गिर गई है। अब राहुल गांधी के खिलाफ लगातार दायर हो रही याचिकाओं में राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं। राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं तो फिर राहुल गांधी के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में राहुल गांधी को कभी न खत्म होने वाले वनवास पर जाना पड़ सकता है और राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर विराम लग सकता है।